कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। खुशियों से भरा मोहम्मद जफर का खानदान भी मातम कदा वाले रोज। मोहम्मद जफर और उसके घर वाले शादी में शिरकत के लिए कोटे से लाहौर जा रहे थे। क्या पता था सानिया रूनमा हो जाएगा। गर्दों ने बलेली में जब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया तो साथ ही मोहम्मद जफर की गाड़ी भी खड़ी थी, जिसको शरीर नुकसान पहुंचा और गाड़ी में मौजूद अफराद जहां पर न हो सके। गफलत की नींद सोई हुई हमारी ये जो सूबाई गवर्नमेंट है, हमारी जो इंतजामिया है, क्या हमारा खून पाकिस्तानी खून नहीं है? क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या हमारी कुर्बानी कुर्बानी नहीं है? मुतासर खानदान के लवाइकिन का शिकवा है कि हुकूमत की जानिब से दादरसी नहीं की गई, न ही जख्मियों का बेहतर इलाज हो रहा है। कल की ब्लास्ट से और ट्रामा सेंटर तक बीमारों को पहुंचने तक 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चा जो वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है, अभी तक ना न्यूरो सर्जन आया है और ना उसकी कोई सीटी हुई है। गुज़िश्ता रोज कोयटा के इलाके बलेली में खुदकुश बम धमाके में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए थे।